कोविड के खिलाफ लगातार अघोषित जंग को जीतने में पलामू समेत पूरा देश लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार, हर किसी की कवायद है कि इस जंग को जीता जाए। और इस जंग को जीतने का अगर सबसे बड़ा हथियार है तो वो है वैक्सीन। और आए दिन आप लगातार खबरों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को देख रहे हैं जिसमें लगातार भीड़ उमड़ रही है उन वैक्सीन केंद्रों पर, जहां जागरूक लोगों की संख्या अब दिन प्रतिदिन इजाफा होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के उस जगह वैक्सीनेशन केंद्र पर, जहां पर लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी जो खबर यहां निकलकर सामने आई है कि आखिरकार अब जब वैक्सीन को लेकर के लोगों की भीड़ उमड़ रही है तो वहां पर अब वैक्सीनेशन की कमी भी होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 100 की संख्या में ही मात्र पलामू में वैक्सीन बचे हैं, जिसके बाद आम लोग जो इतनी संख्या में उमड़ करके इन केंद्रों पर आ रहे हैं, आखिरकार उनके लिए संशय बना हुआ है कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा तो मिलेगा कैसे। हमारे साथ एक महिला है, यहीं खड़ी है, कि इतना दिन हो गया, आपको तो पहले ले लेना चाहिए था, इतना दिन बाद क्यों लेने आई है? अब 2-3 दिन लेट हुआ खाली, अगर सेकेंड डोज लेने आई है जी। कितने दिन पहले ली थी? 20 का शायद, देखिए ना इसमें है, थोड़ा हमको दिख नहीं रहा। क्या लगता है कितना दिन, पहला डोज है सेकेंड डोज? सेकेंड डोज है। कितना दिन पहले लिए थे? 31 तारीख को लिए थे, 30 का डेट है। और घर में सब कोई ले लिया? टोटल आदमी ले लिया, सिर्फ आप ही बच गए जी। क्या लगता है, फर्स्ट डोज लेना है सेकंड डोज लेना है? फर्स्ट डोज लेना है। इतना दिन से आप लोग की तो पहले से व्यवस्था थी, क्यों देर की? कारण था कुछ, क्या वो एलर्जी था, चलता एलर्जी था। कई तरह की शिकायतें हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के धीरे धीरे लोग अब वैक्सीनेशन केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब सबके सामने उठ गया है कि पलामू जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर अब महज 100 डोज बचे हैं, जिसको लेकर के, और ये किल्लत सिर्फ और सिर्फ पलामू जिले की बात नहीं है, पूरे झारखंड राज्य में ये किल्लत झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर के अब सरकार क्या कदम उठाती है आने वाले दिन बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन केंद्र पर बढ़ता भीड़ अब लोगों के लिए आफत का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि हर किसी को अब वैक्सीन की दरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि वैक्सीनेशन की कमी के दौरान आखिरकार इस अघोषित जंग जो कोविड-19 का है, इस महामारी से सरकार कैसे निपट पाएगी। कैपिटल न्यूज़ के लिए AP लकी, मेदिनी नगर।